कल देश का आम बजट पेश किया गया केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, जिसमें रोजगार को लेके बड़े पैमाने पे रोजगार देने की बात कही गई। लगभग 90 लाख रोजगार की बात सृजन करने की बात कही गई। लेकिन बिहार को विशेष राज कहूँ या फिर अन्य पैकेज की बात करूँ, तो कहीं भी बिहार के लिए इस बजट में कोई खास इस बजट में नजर नहीं आया। लगातार जनता दल यूनाइटेड विशेष राज की मांग कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम विपक्षी दल भी बिहार को विशेष पैकेज की मांग कर रही है, स्पेशल स्टेटस की बात कर रही है। लेकिन कल जब बजट पेश हुआ तो बजट में बिहार के स्पेशल स्टेटस की बात कहीं नहीं हुई। बिहार के लिए अन्य कोई राशि भी नहीं दी गई इस बजट में, उसको लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि इस बजट को हम ऐतिहासिक बताते हैं, जो राज्य विकसित राज्य हैं उस राज्य के लिए ये बजट काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। लेकिन अगर बिहार की बात कर लूँ तो बिहार के लिए बजट काफ़ी निराशाजनक है। आज जब हमने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से इस पे सवाल किया गया कि कल बजट पेश हुआ है और विशेष राज्य की जो पैकेज की बात कही जा रही थी, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही जा रही थी, वो कहीं भी इस बजट में चर्चा तक नहीं हुआ, तब उस पर क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुन लेते होता है। तो वो राज्य स्पेसिफिक होने की बजाय वो पूरे देश भर के लिए होता है। मुझे खुशी इस बात की जरूर है कि मौजूदा परिस्थितियों में, मौजूदा परिस्थिति का जब मैं जिक्र करता हूँ तो उस वक्त मैं इस बात को कहना जरूरी समझता हूँ कि पिछले 3 साल से पूरी दुनिया और हमारा देश जिस महामारी के दौर से गुजर रहा था, उस महामारी के दौर के बावजूद जिस तरीके से कल का बजट केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया है, वो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से फिर भी काफ़ी मजबूत और सशक्त बजट है, जिसमें हर वर्ग का और ख़ास तौर पर समाज के गरीब वर्ग का और युवाओं का, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि स्टार्टअप जैसी योजनाओं का सहारा लेकर देश की GDP में अपना योगदान देना चाहते हैं, तमाम उस क्षेत्र का ध्यान रखा गया। फ्यूचरिस्टिक सोच का भी इसमें ध्यान रखा गया है, जहाँ पर आपने पहली बार डिजिटल करेंसी को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, अगर टैक्स में कुछ रिबेट्स होते तो मध्य वर्ग के लोगों को ज़रूर इसमें काफ़ी और रियायतें मिलती, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती, जो कि रिबेट्स नहीं आए, बट उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बजट काफ़ी संतुलित है। मांग की जो चर्चा है बजट में नहीं की गई, हालांकि बजट में विशेष राज्य की चर्चा की मांग होती नहीं है, लेकिन जेडीयू के लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने भी बजट को सही बताया भाई, हमको समझ में नहीं आता कि आप साथ भी रहिएगा, सवाल भी उठाइएगा, इतना ही अगर आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांतों, अपने विचारों पर विश्वास है तो अलग होइए ना। विशेष राज्य का दर्जा क्या, झुंझुना क्या दिखा रहे हैं प्रदेश के लोगों को? सरकार में आप लोग हैं और आप भी लोग सवाल उठा रहे हैं, मतलब इससे बड़ी विडंबना हमने नहीं देखी या इससे बड़ा कमजोर मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। फिर आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग का सवाल भी आप उठाएंगे और उसके बाद उसी के साथ सरकार मिलकर सत्ता का सुख भी आप भोगेंगे। अगर आपको इतना ही एतराज है तो उठाइए कदम मजबूत, अलग होकर दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो, और अगर नहीं हिम्मत है तो कम से कम ये झुंझुना बिहार के लोगों को मत दिखाइए, फिर काम करके दिखाइए, फिर इस बात का वो लीपा पोती मत कीजिए कि भैया हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई गठबंधन के आपके साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, जाइए जाकर बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 200 बार स्पष्ट कर चुकी है कि विशेष राज्य का दर्जा वो नहीं देने वाली है। उन्होंने प्रावधानों का हवाला उन्होंने दिया, नीति आयोग का हवाला उन्होंने दिया, उसके बाद क्या बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा? भाई हम लोग भी मांग करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसीलिए आज हम लोग आपकी सरकार से अलग हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने कमजोर हैं, उनमें ताकत नहीं है कि वो हमारे प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। तो इसीलिए बार बार इस बात का झुंझुना आप लोग मत दिखाइए, बजट का हवाला मत दीजिए। मतलब बजट आधे देश के लिए बहुत बढ़िया और बिहार के लिए बहुत बुरा, मतलब किस तरीके की बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग, हमको समझ में नहीं आता कि आधे देश के लिए बजट बढ़िया हो जाएगा और आपके प्रदेश के लिए बजट खराब हो जाएगा। या तो बजट बोलिए कि खराब है, पर हिम्मत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप गठबंधन में हैं, पर वहीं आपको अपने राज्य में, अपने प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को आपको झुंझुना भी देना है तो आप बताएंगे कि नहीं भैया यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो बिहार के लिए बजट ठीक नहीं है। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनके बस का कुछ नहीं है, ना वो अपराधियों पे लगाम लगा सकते हैं, ना वो शेल्टर होम जैसी घटना पर अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, सीधे तौर पे चिराग पासवान का कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार विशेष राज की बात करते हैं, लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार है तो क्यों नहीं वो विशेष राज का पैकेज बिहार को दिला पा रहे हैं। तो कहीं से भी जो ये गुण गाते चलते हैं कि हम काम नहीं कर पाते हैं, आप काम करके दिखाएं। विशेष राज का पैकेज अगर नहीं भी मिल रहा है तो बिहार के विकास में आपकी भूमिका होनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं और बिहार का किस तरीके से विकास हो वो जरूरी है और सभी चीजों की जिम्मेदारी आप पर होती है। तो कहीं ना कहीं फिर से चिराग पासवान पटना पहुंचते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे जमकर अपनी भड़ास निकाले हैं। विशेष राज्य को लेके भी उन्होंने बजट में कहा है कि हाँ, ये बजट काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, इस बजट से कई लोगों को रोजगार मिलेंगे, लेकिन बिहार के लिए इस बजट से कुछ खास निकल कर नहीं आया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दे, तो जब उनकी गठबंधन की सरकार है, केंद्र में उनकी सहयोगी दल है, तो क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस की बात वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं। तो बड़ा आरोप फिर से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लगाया और कहा है कि वो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए बीजेपी के साथ है, हालांकि बिहार से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जुड़े रहिएगा लाइव बिहार के साथ, इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। विकलित हैं, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।